मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रणधीर कॉलोनी में रहने वाले तोमर परिवार में सरोज तोमर ने गोले का मंदिर थाने पर आकर एक शिकायती आवेदन दिया है। पीड़ित महिला सरोज तोमर ने बताया है कि मुझे प्रॉपर्टी और पैसे में हिस्से के लिए लगातार मुझ पर शारीरिक प्रताड़ना की जा रही है, जिसकी शिकायत मैंने आज थाने में दर्ज कराई है। गोले का मंदिर थाना पुलिस का कहना है कि पीड़ित महिला की शिकायत आवेदन हमारे पास आया है, जिसकी हम जाँच कर रहे हैं। सरोज है, क्या परेशानी है आप? परेशानी ये है कि बेटा मुझे ना मारता है, पिटाई लगाता है, संपत्ति पे भी अधिकार चाहता है। तो इसी मामले को लेकर मैं थाने में आई कि भाई मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और मुझे किसी मामले में दखलंदाजी नहीं करे। और पिटाई तो बिल्कुल ही नहीं, उसका कोई अधिकार ही नहीं है मारने का माँ को। कितने समय से आपको परेशान किया जा रहा है? ये करीब 10 महीने में तीसरी बार घटना है पिटाई की। इसके पहले कोई आपने धमकी भी के चाकू लगा के भोंप दूंगा और मार डालूंगा? इसके पहले कोई ऐसे घर, वो तुम्हारे बाप का घर मेरा घर है, तुम्हारा गाय का घर हो गया, इस तरह की धमकियां होती हैं आए दिन। तो ये समझाते नहीं घर वाले कोई भी, उसको अगर समझाते तो शायद समझ में आ भी जाती। और ये ससुराल में भी घटना हो गई, पहले तो इंदौर में हुई और यहाँ परिवार के साथ भी ये घटना हो रही है। मैं सोचती थी कि हाँ मैं प्रोटेक्ट हूँ, सुरक्षित हूँ, पर यहाँ भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो मुझे तो फिर दिक्कत है ही। इसके पहले कोई आवेदन आपने दिया है क्या? नहीं, इससे पहले मैंने नहीं दिया। ये घटना पहले दिसंबर में भी हो चुकी है, तो मैंने इनको मतलब रिपोर्ट नहीं डाली थी। अभी थाना प्रभारी का क्या कहना है इस मामले में? ये कह रहा है कि वह SDM के पास जाइए, वहाँ पर ये बच्चे का वो पूरा आपको बता देंगे कि इसमें बच्चे का कोई अधिकार नहीं है मारने का, ना ही आपकी संपत्ति पर अधिकार करने का, और ना ही मतलब आप भरण पोषण किसी भी तरीके से करिए अपनी यूज़ किए, उस पर भी उसका कोई आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं है। अभी आप जैसा कि गोलगुंदर थाने आए हुए हो, तो इन TI साहब ने क्या मदद वगैरह का क्या कोई आश्वासन वगैरह दिया है आपको? TI साहब ने कहा कि यहाँ का मामला बस यहीं तक है, ये वाला अब ये आगे जाएगा मामला, वहीं वो सॉल्व करेंगे इस मामले को। अभी तो हमने समझा दिया कि बेटा आपकी संपत्ति कहाँ रहते हो आप? मेरी रणधीर कॉलोनी में रहती हूँ। रणधीर कॉलोनी, क्या नाम है लड़के का जो परेशान कर रहा है? इसका नाम है आर्यन तोमर। आर्यन जी, मामला ये है भैया, 25 साल पहले शादी हुई थी सरोज की, हम इनकी छोटी भाभी है। 2.5 लाख रुपये हमने नगद भी दिया था, फुल सामान भी दिया था। इनने बताई थी लड़का MR है, MR का तो हमें पता नहीं, लेकिन ये बाद में परेशान करने लगे। जेठ हमारे एक्साइज में थे, इन्हें हमने ये बोलती थी कि हमें दिक्कत होती है यहाँ पे, भैया बोले जेठ हमारे इंदौर चलते हैं, सुबह इन्हें काम पे कर लगवा दिए, दारू वारू के ठेके पे जो भी है, अच्छा करने खाने भी लग गए, सब कुछ था। लेकिन जैसे भी चलता रहा, लेकिन अभी अक्टूबर में ख़त्म हो गए वो, उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम रही। अब सब कुछ होने के बाद भी अब इनका बेटा वो इसलिए मारता है कि जब मकान है हमारे नाम है गद्दे, प्लॉट है हमारे नाम है गद्दे। अब ये विधवाएँ, अब इनके सास ससुर धमकवाते हैं खुद। जब मुझे फ़ोन आया सरोज का कि भाभी मुझे लड़का मार रहा है, सास ससुर सामने ही देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि जाके पिटाई करो तुम, जी ऐसे प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे नहीं करेगी, तो सारा मामला है प्रॉपर्टी का और उसकी जान लेने की ये कोशिश करते हैं। अब मैं भाभी भी हूँ, स्वाभाविक है भाभी को बुरा लगेगा। मैं वहाँ पे पहुँची तो इनके ससुराल वालों ने बोला तुम यहाँ पे सीधी घुसी क्यों चली आई है, मठा खा खा के बड़े हो गए, पता नहीं आना उल्टा सीधा क्या क्या बोला। अब आप बताइए, जब मैं पुलिस की मदद नहीं लूँ, कानून का सहारा नहीं लूँ, तो उसकी भैया हम न्याय कैसे दिलवाएंगे? इसलिए मैं एक भाभी होने के नाते से भी मैंने मांग रखी है कि सरोज को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इंदौर जाती है अकेली, यहाँ भी रहती है, लड़का मारपीट ना करे, ससुराल वाले दबाव न डालें। इनकी ननद है लक्ष्मी भदौरिया, बेबी ज्ञान लगाती है, इनकी सास कहती है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फांसी हो जाए। तो ऐसी सोच रखने वाले लोगों के यहाँ आप सोचो जमाना कहाँ का कहाँ पहुँच गया, लेकिन सोच वहीं की वहीं इनके घर वालों की, और हम अभी ननद को मरने के लिए कैसे छोड़ दें। इसलिए यहाँ पर आए हैं, तो TI साहब ने बोला है कि SDM साहब के पास जाइए और जो भी आगे की जो कार्रवाई है वो वहाँ पे होगी। बस इसलिए मदद मांगने के लिए आए थे, सरोज को न्याय दिलाने के लिए। अभी आपका आवेदन वगैरह भी ले लिया, उस पर क्या कार्रवाई की बात कही है? कार्रवाई पे यही बात की गई है कि SDM साहब के पास जाइए और कानून का सहारा लीजिए, कोर्ट का इसमें सहारा लेना पड़ेगा, तब कहीं ये लड़का को समझ में आएगा कि माँ को हाथ लगाना कितना भारी होता है। क्योंकि माँ की जायदाद में बेटे का हक नहीं होता जब तक माँ नहीं चाहती। ठीक, क्या पूरा मामला है, क्या घटना? अवेदिका आई है सरोज तोमर नाम से, उन्होंने एक आवेदन लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि पिछले साल उनके पति जो है वो एक्सपायर हो गए थे, मंडलेश्वर में उनके नाम से कुछ जमीन है और ग्वालियर में अपने उनका ससुराल है सास ससुर के साथ में।
कंप्लेंट की है कि लड़का जो है 21 वर्षीय वो अपने ससुराल वालों के कहने में आकर, दादी जी और दादा और बुआ के कहने में आकर इनको प्रॉपर्टी के लिए दबाव बनाता है और प्रॉपर्टी के उनको हड़पना चाहते हैं ससुराल वाले इनके नाम की। इस संबंध में आवेदन दिया है, इस पर जाँच कर रहे हैं, बयान लिए गए हैं। उनका सरोज तोमर का कहना है कि मारपीट भी कर रहा है वो। मारपीट का तो इन्हें जान का खतरा है, इसीलिए अपने भाभी के यहाँ रह रही है। क्या कार्रवाई का प्रावधान बना है, क्या कार्रवाई करोगी? इस पर कार्रवाई आवेदन पर से बयान लिए और जो संबंधित कार्रवाई होगी, जमीनी विवाद होगा उस संबंध में और जो भी होगी कार्रवाई की जाएगी। वॉइस ऑफ प्राइड्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।